वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज फैशन व्यू चेतना। एंड आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक चिकनकारी कुर्ती कलेक्शन हॉल वीडियो। सो ये गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि चिकनकारी कुर्ती जो है वो हमेशा ट्रेंडी रहती है, चाहे कितने भी साल निकल जाएं फिर भी उनका ट्रेंड जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा एथनिक वियर के लिए एक स्पेशल क्वालिटी देती है एंड स्पेशल स्टाइलिश लगती है। सो ये हॉल बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है उन गर्ल्स के लिए जिनको चिकनकारी कुर्ती बहुत पसंद है, लाइक मी, मुझे बहुत पसंद है। चाहे वो किसी भी कलर में हो, चाहे बस चिकनकारी कुर्ती होनी चाहिए, आप उसको किसी भी ओकेजनली या विदाउट ओकेजनली आप उनको वियर कर सकते हो, हमेशा ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लगती है। सो ये वाला हॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी चिकनकारी कुर्ती मैं आपको इस हॉल में दिखाऊंगी वो अंडर 600 है। सो ये वाला बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है। वैसे तो चिकनकारी कुर्ती बहुत ही महंगी आती है, बट मैंने कुछ रिजनेबल प्राइस की चिकनकारी कुर्ती खरीदी है। आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इन सारी चिकनकारी कुर्ती का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल सी कुर्ती शेयर करने जा रही हूँ, चिकनकारी कुर्ती। तो ये है चिकनकारी कुर्ती रेड कलर की एंड बहुत ही प्रिटी है। लाइक ये शॉर्ट कुर्ती जो होती है ना, जिसको आप जीन्स के ऊपर स्टाइल कर सकते हो, उस टाइप की कुर्ती है। सो ये थोड़ी सी घेर वाली आती है नीचे से एंड 3/4 से ज़्यादा स्लीव आता है इसका। एंड इसका जो नेक आता है वो आगे से वी नेक का आता है राउंड के साथ में। सो इसका घेर बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट कुर्ती है। और फ्रंट में आपको बर्स्ट एरिया पे थोड़ा ये वर्क मिलता है, चिकनकारी वर्क मिलता है। एंड इसका फैब्रिक जो है वो शिफोन टाइप का है। एंड इसका प्राइस जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं अपने अकाउंट से चेक करके मेंशन कर दूंगी, बिकॉज मुझे याद नहीं है कि मैंने कितना पे किया था, क्योंकि 2-3 कुर्ती मैंने एक साथ में ऑर्डर करी थी तो मुझे याद नहीं है। सो इस कुर्ती में आपको 2 से 3 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, व्हाइट कलर, बेबी पिंक कलर एंड ब्लू कलर। सो 2 से 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड थिंग इज दैट कि मुझे इसका रेड कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें रेड कलर पिक किया। आप इसमें ब्लू कलर भी पिक कर सकते हो, उसका भी बहुत ब्राइट एंड डार्क कलर है। एंड दूसरा चीज़ ये था कि रेड कलर की कैमिसोल था ऑलरेडी, तो मैंने रेड कलर ही पिक किया। वैसे मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने रेड कलर पिक किया। सो इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा आया। एंड यू नो, इस पर जो ये चिकनकारी वर्क है, थ्रेड वर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क किया हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में वर्क है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जिगजैग टाइप में कर रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क किया हुआ है। बैक साइड में भी आपको फ्लोरल डिजाइन मिलती है, फ्लोरल थ्रेड वर्क मिलता है। एंड स्लीव्स पे भी आपको ये थ्रेड वर्क मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये वाला वर्क। एंड सबसे अच्छी बात है कि इस टाइप की चिकनकारी कुर्ती मैंने पहली बार ट्रेंड में देखी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है और बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी लगती है। सो मैं इसको अपनी जीन्स पे स्टाइल करने वाली हूँ और कलर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। सो ये वाली कुर्ती मैंने मीशो से खरीदी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल। आई थिंक मैंने इसको 400-430 रुपीज में ऐसा ही कुछ पे किया। सो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी, एवरीथिंग। बस इसके साथ में आपको कोई कैमिसोल नहीं मिलता है, सो वो आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये बेबी पिंक कलर का चिकनकारी कुर्ता। सो इसका कलर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है एंड इसके साथ में आपको एक कैमिसोल मिलता है स्टिच किया हुआ, बहुत ही अच्छी खासी लेंथ है, लाइक कुर्ते के बराबर इसकी लेंथ है। एंड इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, आपका बर्थ साइज आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है। जो इसकी स्टिचिंग है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टिच करी हुई है। एंड ये है कुर्ता एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइक व्हाइट है, ग्रीन है, बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैंने इसमें बेबी पिंक लिया है और इसमें आपको स्लीव्स पे एक फ्लोरल डिज़ाइन मिलती है एंड फ्रंट में आपको बहुत ही भरा सा चिकनकारी वर्क मिलता है, बैक साइड में आपको सिंगल फ्लोरल मिलता है। इसका जो कपड़ा है वो शिफोन है, उस पर थ्रेड वर्क किया हुआ है। थिंग इज दैट कि मुझे ये वियर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसका वर्क फिनिशिंग है या नहीं है, बट मुझे इसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक कलर है इसलिए व्हाइट कलर इस पर उभर के नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़
पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे इसका जो वर्क है ना वो फिनिशिंग उतना नहीं लगा जितना मुझे दूसरी कुर्ती का लगा है. दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि इसका वर्क फिनिशिंग नहीं है. और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है लाइक इसका कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट है एंड वाइट इस पर किया हुआ है, इसलिए भी शायद उसका उभर के नहीं आ रहा, ये रीज़न है. अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. प्राइस आई थिंक मैंने इसका 550 रुपये और 600 रुपीज़ कुछ पे किया है. सो प्राइस के अकॉर्डिंग इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी, वेयर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है. एंड ये वाली कुर्ती भी मैंने ना मीशो से खरीदी है, एंड इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप समर में आसानी से इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही लाइट वेट लगती है. सो ये मैंने मीशो से खरीदी है, इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये कॉटन चिकनकारी कुर्ती है. लाइक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड यू नो इस टाइप के वर्क की जो कुर्ती ना वो आप लूज़ थोड़ी सी जीन्स पे स्टाइल करते हो एंकल जीन्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है. सो मुझे इसकी लुकिंग, इसका फिटिंग, इसका डिज़ाइन, एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ी लूज फिट में है. सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड इस पर जो ना बहुत ही जो एक्चुअल चिकनकारी वर्क होता है, लाइक दूसरी कुर्ती मैंने आपको दिखाई उन पर थ्रेड वर्क मिक्स है, बट इस पर जो एक्चुअल चिकनकारी वर्क होता है ना वो किया हुआ है. एंड इसका ब्रांड जो है वो सादगी है. सो सादगी आपको पता है कि स्पेशली चिकनकारी कुर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. मैंने और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं चिकनकारी कुर्ती के. सो इस पर जो फिनिशिंग वाला वर्क, बहुत ही फुल्ली फिनिशिंग वाला वर्क किया हुआ है, मुझे इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है. एंड इसकी स्लीव्स पे आपको इस टाइप से कुछ वर्क मिलता है, फ्रंट में पूरा भरा हुआ मिलता है. ये ए लाइन कुर्ती है, बटन डिज़ाइन मिलती है, स्लिट मिलता है साइड में एंड फ्रंट में. एंड इस टाइप की कुर्ती जीन्स पे बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है. फ्रंट से इसका वी नेक है, एंड इसका प्राइस मैंने 585 रुपीज़ पे किया. ये मैंने आजियो से पिक करी है. सो आजियो पे इस टाइप की कुर्ती, इवन इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे. एंड आजियो पे चिकनकारी कुर्ती के बहुत ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन है, बट थिंग इज दैट कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट उनका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. लाइक जो एक्चुअल चिकनकारी वर्क होता है ना वो किया हुआ है. सो एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. सो ये मैंने 585 रुपीज़ में पिक करी है. बैक साइड में भी आपको फ्लोरल डिज़ाइन विद वर्क मिलता है. सो विथ कूपन मैंने 585 रुपीज़ पे किया. मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी. इसमें 12 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे आजियो पे, बट मैंने इसमें ब्लैक कलर पिक किया है. मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अगेन एक चिकनकारी कुर्ती है जो कि ब्लैक कलर में है, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. लाइक मुझे इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड ये वियर करने के बाद इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. फिटिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है इसकी. ये भी शिफोन के वर्क पे जो चिकनकारी थ्रेड वर्क होता है वो किया हुआ है. सो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एंड इस टाइप का जो शिफोन वर्क होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, सो समर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, कुछ चिपचिप वाली फील नहीं आती है. सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वर्क भी बहुत अच्छा किया हुआ है. एंड ब्लैक कलर तो आपको पता है चिकनकारी कुर्ते में बहुत ही अच्छा लगता है. एंड इसके साथ में भी आपको एक फिटिंग का कैमिसॉल मिलता है जिसकी लेंथ कुर्ते के बराबर आती है. सो आप जब भी चिकनकारी कुर्ता खरीदो, अगर आप उसमें शिफोन थ्रेड वर्क का खरीद रहे हो तो हमेशा एक ध्यान रखो कि उसमें कैमिसोल साथ में खरीदो, नहीं तो आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा या अलग से स्टिच करवाना पड़ेगा. सो मीशो पे ऑलमोस्ट आपको सारे कुर्ते के साथ कैमिसोल मिल जाता है. एक दो होता है जिसके साथ में आपको कैमिसोल नहीं मिलता है, सो उसके लिए आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है. सो मोस्ट ऑफ के साथ में मिल जाता है. सो इसके साथ में मुझे ब्लैक कलर का कैमिसोल मिला है, एंड वो उसके साथ स्टाइल करने के बाद बहुत ही गुड लुकिंग दिख रहा है, बहुत ही गुड क्वालिटी लगी है मुझे इसकी बहुत ही गुड क्वालिटी लगी है. एंड स्लीव्स पे भी वर्क मिलता है, एंड क्वालिटी अगेन अमेजिंग. इसका प्राइस भी मैंने 600 से बिलो ही पे किया. ये भी मैंने मीशो से खरीदा है. इसका कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा.
गाइज दैट्स ऑल अबाउट माई चिकनकारी कुर्ती कलेक्शन एंड हॉल वीडियो. आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. वैसे तो बहुत सारे चिकनकारी कुर्ती कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे मीशो पे, आजियो पे, मिंत्रा पे. बट थिंग इज दैट कि हम अफोर्डेबल प्राइस में कहाँ से खरीद सकते हैं. सो मुझे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आजियो लगा है विथ कूपन कोड एंड मीशो लगा है. उसके अलावा मैं कहीं से भी चिकनकारी कुर्ती ट्राई करी ना, ट्रस्ट मी गाइज, उनका मटेरियल एंड जो फिनिशिंग होती है ना थ्रेडवर्क की सिमिलर है, बट प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, लाइक 1500 के अबाउ ही आपको मिलेंगे. सो मैंने सोचा कि मैं एक अफोर्डेबल रेंज का चिकनकारी कुर्ती कलेक्शन आप लोगों के लिए बना दूँ, तो आप लोगों को हेल्प हो जाए. फ्यूचर में आप कहीं से भी चिकनकारी कुर्ती खरीदने का सोच रहे हो ऑनलाइन, तो मेक श्योर आप आजियो से एंड मीशो से खरीद सकते हो. वहाँ पे थोड़े रिजनेबल प्राइस के हैं. मोस्ट ऑफ के साथ में आपको कैमिसोल मिल जाएगा. आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. सबसे ज़्यादा अच्छी कुर्ती कौन सी लगी? एंड मैंने मीशो पे ना चिकनकारी कुर्ती में भी अनारकली शेप वाली कुर्ती भी देखी थी, अनारकली कुर्ती भी देखी थी, लॉन्ग कुर्ती भी देखी थी, एंड सेम आपको आजियो पे भी मिल जाएगी. सो बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि चिकनकारी कुर्ती को आप अफोर्डेबल प्राइस में भी खरीद सकते हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया. आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. हेल्पफुल रहे तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मेरे वीडियो का लिंक जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना गाइस. सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना. सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस, बाय बाय.